फरवरी मतलब आज ही के दिन विजय दिवस हैदराबादी निजाम ने आज ही टेके थे घुटने हिंदू योद्धा सदाशिवराव भाऊ के आगे उदागीर के युद्ध में। सदाशिवराव भाऊ जी पेशवा के बलिदान के बाद ही अब्दाली के पांव हिलने शुरू हो गए थे और उसने अपनी मरी हुई अंतरात्मा में ये मान लिया था कि भारत भूमि को जीतना इतना आसान नहीं जितना कि वो समझ रहा था। महावीर का सदाशिवराव भाऊ महान योद्धा पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। अपने शासन प्रशासन में बेहद निपुण व कुशल होने के कारण मराठा साम्राज्य का समस्त शासन भार पेशवा ने उन्हीं पर छोड़ दिया था। प्रसिद्ध वीर योद्धा सदाशिव राव की व्यूहरचना ऐसी हुआ करती थी जिससे सीख लेकर यूरोपीय शासकों ने अपनी सेना और व्यूहरचना करनी शुरू कर दी थी। इनके पास सैन्य बल के अतिरिक्त एक विशाल तोपखाना भी था। इस महायोद्धा का इतिहास उस तथा कथित मजहबी ठेकेदार को भी याद रखने की जरूरत है जो आए दिन किसी न किसी को हैदराबाद आने की चुनौती दिया करता है, क्योंकि इस महावीर के नाम अपनी इसी सैन्य शक्ति व अपने पराक्रम के बलबूते हैदराबाद के निजाम सलावत जंग को भी उदयगिरी के प्रसिद्ध युद्ध में हारने का गौरव प्राप्त है। इस युद्ध में हैदराबाद का वो निजाम घुटनों के बल बैठ गया था। इन योद्धाओं का पराक्रम देख कर अपनी दौलत और ताकत के अहंकार में तानाशाही पर उतारू उस हैदराबादी निजाम को अपने घुटनों पर बैठकर जान की भीख मांगने पर मजबूर कर देने वाले उस महान योद्धा ने आज ही के दिन अर्थात 3 फरवरी को ये जंग जीती थी और भारत के शत्रुओं के कलेजे में अपने नाम का खौफ पैदा किया था। इस 52 दिवस को एक धरोहर के रूप में जानकर इस विजय पर्व की तमाम राष्ट्रभक्तों और धर्म रक्षकों को बारंबार बधाई देने के साथ ऐसे पावन दिनों की स्मृति सदा सदा बनाए रखने का संकल्प भी सुदर्शन परिवार लेता है। भारत के प्रसिद्ध गद्दारों में से एक वैसी जैसों को कम से कम इस इतिहास को दिन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए इतिहास में अपने पूर्वजों का हश्र देखने के लिए। गुजरात से हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की ये खास रिपोर्ट। खबर सबकी सीधे आप तक।